टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती है। पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित करते हुए बाबा साहेब को याद किया। जबकि अगर देश लॉकडाउन ना हुआ होता तो पूरा देश बड़े ही धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मना रहा होता। मगर इस बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों ने बुलंदशहर के पहासू में जिस ढंग से बाबा साहेब की जयंती मनाई वो वाकई काबिले तारीफ है। ये तस्वीरें यूपी के जनपद बुलंदशहर की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर कुछ लोग सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए किस तरह से पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं। देश अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है और भारत में तालाबंदी की हुई है। कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी और तालाबंदी ही महज एक हथियार है। देश के जागरूक नागरिकों द्वारा बाबा साहेब की जयंती मनाने का यह नायाब तरीका ढूंढा गया है। एक ट्रैक्टर में सैनिटाइजर भरवाया गया और उसमें बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए पूरे कस्बे को सैनिटाइज किया गया। जबकि इस दौरान नगर के लोगों से घर में ही रहने की अपील के साथ कोरोना से युद्ध लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का सहयोग करने की भी अपील की गई। यूँ तो पूर्व वर्षों में बाबा साहब की जयंती विश्व स्तर पर मनाई जाती है, तमाम नगरों में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से अंबेडकर संघ पहासू ने यह निर्णय लिया कि हम नगर में कोरोना से बचाव के लिए पूरे नगर का सैनिटाइजेशन करा रहे हैं और नगर में सफाई कर्मियों एवं जो पुलिस कर्मी अपने घर बार अपने बच्चों से दूर रहकर हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम उनका यहाँ पर पुष्प वर्षा कर और उनको गमछा और सैनिटाइजर दे करके उनका सम्मान कर रहे हैं। अंबेडकर संघ पहासू ने इस वर्ष इसी रूप में जयंती को मनाने का निर्णय लिया है और हम निश्चित रूप से कोरोना को भगाने में सफल होंगे, यही हमारा प्रयास है। बाबा साहब की 129वें जन्म दिवस पर सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए टाइम 24 भी लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है कि सभी देशवासी सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।